दिल्ली एनसीआर में बढ़ता पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो BS4 के डीजल वाहन हैं उनको प्रतिबंध किया जा रहा है और साथ ही जो बाहरी वाहन हैं उनको भी प्रतिबंध किया गया है। ऐसे में जमीनी स्तर पर एक्शन भी अब दिल्ली पुलिस का देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं प्रत्येक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, यदि बाहरी वाहन है जो CNG नहीं है उनको रोका जा रहा है और उनका चालान काटा भी जा रहा है और उनको वापस यूपी की तरफ टर्न किया जाएगा, यूपी की तरफ भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं लगातार चेकिंग करते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि दिल्ली NCR की जो आबोहवा है बेहद ख़राब स्थिति में पहुँच गई है, जिसके चलते ये एक्शन अब देखा जा रहा है। जमीनी स्तर पर ये चीज़ें की जा रही हैं। ऐसे में BS4 के जो डीजल के वाहन हैं उनको उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पेट्रोल के BS3 के वाहन हैं, BS3 के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया है। साथ ही जो भारी वाहन हैं उनको भी अब दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है, उनको वापस यूपी की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको वापस दिल्ली की तरफ यूटर्न लेकर वापस यूपी की तरफ ही भेज दिया जा रहा है। ये कदम सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के चलते उठाया जा रहा है। हालांकि इस कदम से कितना पोल्यूशन पर फ़र्क पड़ेगा, क्या ये दमघोटू हवा से लोगों को इस एक्शन से राहत मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। सोनू सर, भैया पेशे से ड्राइवर हैं आप, पूरे दिन सड़कों पर रहते हैं, क्या कोई दिक्कत होती है पोल्यूशन के चलते? हाँ जी, धुआं से लगता है, आंखों में जलन होती है। पूरा दिन आप सड़कों पर रहते हैं? हाँ जी सर। तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? हाँ जी, ऐसा होता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार है। भैया आप सड़कों पर रहते हैं? हाँ जी। क्या कोई दिक्कत हो रही है आपको सांस लेने, पोल्यूशन वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है? जी देखो मेरे घर ना फील्ड का काम है और मैं पूरे दिन आँख इतना जलता रहता है कि क्या बताऊँ मैं आपको, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं सोचा मुझे आँख में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अरे भाई ये क्या है, तो वो बोला पोल्यूशन की वजह से हो रहा है आँख में प्रॉब्लम तेरी, जब जाके मैं मुझे समझ में आया।